कस्बा कोसीकला के थाना रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में झंडा पूजन की झांकी निकलने के साथ ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर रामलीला संस्थान के अध्यक्ष कमल किशोर वास ने अपने सिर पर रामचरितमानस को रखकर झांकियों के साथ झंडा पूजन के लिए निकले, जहां लोगों के द्वारा संस्थान के सभी पदाधिकारियों एवं झांकियों के साथ चल रहे समाज सेवियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी झांकियों के सबसे आगे हनुमान जी महाराज का ध्वज लेकर चल रहे थे। रामलीला संस्थान के मेला आचार्य मोर मुकुट शास्त्री एवं लीला पुरोहित सत्यनारायण शर्मा के द्वारा झांकियों की आरती की गई। बैंड बाजों के मधुर भजनों के साथ ब्राह्मण धर्मशाला से प्रारंभ हुई झांकी भरत मिलाप चौक पर सम्पन्न हुई। आज रामलीला महोत्सव की शुरुआत हुई है, झंडा रोहण हुआ, हनुमान जी का ध्वज टांगा गया है। ये परंपरागत मेला है, करीब 200 वर्षों चला आ रहा है और आज इस मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज शुरुआत के दिन मुझे एक सेवा करने का मौका मिला। आज रामलीला संस्थान ने मुझे एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, मेरा सम्मान किया। यथासंभव मैंने भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूजा अर्चना की। क्या जन रामलीला संस्थान कोसी कला का आज प्रथम कार्यक्रम कल कैलेंडर विमोचन को आदास रामलीला से संबंधित आज प्रथम प्रोग्राम झंडा पूजन के साथ ब्राह्मण धर्मशाला से प्रारंभ होकर रेलवे स्टेशन होते हुए पुरानी जीटी रोड होते हुए घंटाघर सब्जी मंडी मेन बाजार होते हुए भरतमराज चौक पर पहुंचा। यहां विधि विधान से आचार्य पंडित मोरमुकुट शास्त्री द्वारा पूजन कराकर हनुमान जी की ध्वजा को कराया गया और आज से रामलीला का श्री गणेश हो गया है। नगर में बहुत ही बढ़िया तरीके से मंचन रामलीला ग्राउंड में होगा और रामलीला से संबंधित भरतमराव है, दशहरा है, अनाज मंडी में रावण वध लीला का भी मंचन होगा और रावण भी होगा जाएगा।